चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत झांखरी के ग्रामवासियों ने एक बार फिर रखी सरकार के समक्ष गांव की जन समस्याएं। ग्रामवासियों ने गांव में सड़क, पानी एवं बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की समस्याएं रखी। ये हमारे सामने है गड़ावासन कराड़ा के बीच एक गाँव पड़ता है लूनीवाली धाणी। सर बताइए आपका विवाद क्षेत्र कहाँ पे और क्या समस्या आप सरकार के साथ? हमारे धाणी लुंगी में साहब एक कुआ है, 70 साल से हम उसका गंदा पानी पीते हैं। एक दो तीन मौत भी इसमें हो गई है, कोई दवा भी डालता नहीं है। पानी इतना गंदा है कि आप देखो तो पी नहीं सकते हो। कोरोना में भी ये पानी पिया आपने? यही पिया साहब। और आप गाँव वासियों की क्या मांगे बताइए? हमारे गाँव वासियों की मांगे साहब रामपुर से गड़ावासन और गड़ावासन से सरोदा, एक गौतम गोपाल जी के घर तक शमशान तक सड़क साफ, सीसी सड़क, ये मेन समस्या। और नल पानी की समस्या पेयजल की कमी हो गई आपके गांव में। और ये कुएं का क्या मसला आपका? कुएं में साहब गंदा पानी पी रहे, सरकार को कान नहीं दे रही है, कहीं सरपंच आए कहीं चले गए। दवाई कभी डालते हैं कभी डालते ही नहीं है साहब। साल में एक दो बार दवाई डालते हैं तो इतने पानी में क्या होगा साहब। सर आपके जो कुएं का मसला है आप कह रहे हो, तो उसके अंदर जो आपके एरिया में जी कौन सी समाज निवास करती है और कितनी जनसंख्या है? समाज तो साहब हमारे गांव की पूरी वहाँ पानी पीती है, मगर रेबारी और राजपूतों का कुआ है सब, सार्वजनिक किसी का निजी नहीं है। इसमें पानी बहुत गंदा है सर। आपका नाम क्या है? मेरा बदीशन परमार जी। परमार साहब बताइए ये कौन सा क्षेत्र है? ये गड़ावासन। हाँ, क्या समस्या और सरकार से क्या मांग चाह रहे हो आप? मैन तो हमारा कम से कम 70 साल हो गया सरोदा से गड़ावासन, गड़ावासन से रामपुर। आज दिन तक कम से कम 10 सरपंच आए होंगे, मगर आज दिन तक सरोदा से गड़ावासन एक टोपला भी मिट्टी नहीं डाला है। अभी तक कोई रोड नहीं हुआ? नहीं हुआ, 70 साल के इतिहास में कुछ नहीं हुआ। और बाकी गड़ावा ये अपना नल का जो गड़ावासन में, एक तो ये सरपंच साहब घर तक, ये आपके सामने है सरपंच साहब का मकान दिख रहा है। हाँ, और लास्ट चौधरी अमदा किसरमल, पूरा गांव का सर, पूरा गांव। ठीक है, ये हमारे सारे गांव वासियों की मांग है। हाँ, कि यहाँ पे एक तो पानी की कमी है। हाँ, दूसरा रोड की कमी है। कमी कहाँ से कहाँ तक का रोड मांग रहे हो आप? सरोदा से गड़ावासन, गड़ावासन कितना किलोमीटर? ये 4 किलोमीटर सरोदा, 4 किलोमीटर सड़क का, और 2.5 किलोमीटर ये पकड़ लो भी गड़ावासन में लिख के दिया। आज दिन तक बहुत आए, बहुत गए, मगर कुछ हुआ नहीं है। आपके यहाँ पे सरपंच कितने रहे? अभी सरपंच सर दो बार था ही अपना, एक तो राजू भाई का फादर, फिर राजू भाई, इसके बाद लक्ष्मी देवी दो बार, दापू देवी, अर्जी भाई, और ये अपना मोक्जी भाई, और इसके पहले रूपलाल जी, इसके पहले एक दूसरा कोई थे। भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोवर्धनलाल परमार। जी जी जी, बताइए गोवर्धनलाल जी, यहाँ गांव के बारे में बताइए, क्या क्या समस्या आपकी है? तो पानी की समस्या है, हमने सरोदर कैसरपुरा वाला रोड भी कड़ावासन तक संपर्क सड़क है, वो भी जरूरी प्रॉब्लम है, और हमारे गाँव में पानी की ज़्यादा समस्या है। हमारे वार्ड मेंबर साहब ने अपनी समस्या पेश की। थोड़ी बहुत गाँव की समस्या ये भी है, हमारे पानी की भी समस्या है, गड़ावासन से कैसरपुरा आगमन रोड की बहुत बड़ी समस्या है। सोमापुरा गड़ावासन से जी जी बताइए। कि लोगों को ये खेती के बारे में, लोगों को रेंट नहीं मिल रही है, और मुआवजा सबको मिल रहा है रेंट की, खेती फसल ये नष्ट हो रही है, उसके बारे में थोड़ी ध्यान दे सरकार। और ये गरीब व्यस्त है, खेती बेल्ट है, उसके लिए थोड़ा सहयोग मिले, और कोटेशिया में उनको संतुष्ट है कि इस बारे में कार्य चल रहा है हिसाब से, और हमको संतुष्ट। सरकार से और क्या मांग चाहते हो आप? सरकार से मांग चाहते हैं कि हमारे एक तो रोड की कमी है और पानी की कमी है। पानी में कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा गाँव है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है रोड से, डैम से, और लोगों को मिलना चाहिए। काश्तकारों को अभी तक नहीं मिला, अभी किसको मिला किसको नहीं मिला है। अप्लाई करी साहब आपने? अप्लाई तो कर रहे हैं लोगों, संदेश हमारे से होना चाहिए।